यहाँ पे बैठ जाए महिला को यहाँ पर। अगर जब तक हम लोग यहाँ से एक भी अभ्यर्थी नहीं हटेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार से नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी सचिवालय में हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे एसटीटी के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी आ चुके हैं यहाँ पर, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये तमाम अभी सचिवालय में अभी काम होने के वक्त है। और क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम हटाया जाए। मेरिट वाले स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसा नोटिफिकेशन के हिसाब से हुआ है आप लोग नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब 37,000 वैकेंसी है तो 30,000 पे मेरिट क्यों बन रही है। इनसे वो पूछिए मेरिट वालों से कि 30,000 बच्चे को क्यों मेरिट बनाया गया है, 37,000 को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और जब शिक्षा मंत्री बोल दिए हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम हटेगा तो काहे नहीं अभी तक हटा? सर्टिफिकेट पे मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम अभी तक है। आप लोग 80,000 पास हुए हैं तो उसमें सीट तो कम है, तो सीट कम है तो बताया जा रहा है कि कम ही लोगों का होगा, मगर 7,000 सीट खाली है अभी। 7,000 सीट तो शिक्षा मंत्री अपने अंडर में ले लिया कि घूस से उसको घुसा देंगे। अरे उनके पास सीट बहुत ज्यादा है, सीट बढ़ा कर ले ले, बहुत वैकेंसियां खाली है, सीट बढ़ा कर ले। 80,000 बच्चे को अगर वो ले लेते फिर भी उनके पास बहुत सीट खाली है। सारे क्वालिफाइड को नौकरी दे वो। कितने क्वालिफाइड किए सभी को? 80,400। आपके पास नोटिफिकेशन है? मेरे पास है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि सभी मेरिट वालों को भी नौकरी दिया जाएगा? नहीं, शिक्षा मंत्री बोले कि जितने क्वालिफाई हैं उन सबको नियुक्ति नियोजन में जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अभी तक मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम क्यों नहीं हटा, हम ये पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से। उसी पे सर्टिफिकेट क्यों बट रहा है? ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय रंजन हुआ। ये देख रहे होंगे तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर हैं और तमाम अभ्यर्थी तमाम बातें कर रहे हैं। और भी अभ्यर्थियों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप भी अभ्यर्थी हैं भैया? जी जी। कहाँ से आए हैं? हम अरवल डिस्ट्रिक्ट से, नीतीश कुमार मेरा नाम हुआ। नीतीश कुमार? जी जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं? जी, वो तो जुमलेबाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन हम लोग जो आम विद्यार्थी हैं अपने हक की लड़ाई के लिए नीतीश कुमार से लड़ाई के लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोग बिना नोटिफिकेशन का सुन रहे हैं? बिना नोटिफिकेशन कुछ और कह रहा है, आप लोग कुछ और कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन बहुत सी बातें लिखी गई, उसका कहाँ पालन कुछ हो रहा है। क्या लिखा गया नोटिफिकेशन? ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया गया था, लिखा गया था नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। नोटिफिकेशन में बहुत सारी बात लिखी जिसका पालन किया जा रहा है। हम लोग को एक साल से बरगाया जा रहा है कि ऑल क्वालिफाई लोग बराबर हैं, तो फिर हम लोग को रिजल्ट कार्ड में नोट मेरिट कहाँ से आज दे दिया गया? नोट मेरिट बनाने का अथी बोर्ड का काम होता है कि वो अति करता है नियोजन लाल है। आप बार बार कहते हो कि नियोजन न्याय में आप लोग समान है, तो फिर हमारा स्कोर कार्ड में आप अति नॉन मेरिट कहाँ से लगा दिए? हर जगह जुमलेबाजी, हर जगह इनका धोखा है बच्चों के साथ। हर एक जगह जुमलेबाजी कर रहे हैं और हर एक जगह धोखा दे रहे हैं बच्चों को। हम लोग 12 मार्च से लेकर आज एक साल पूरा हो गया, आज तक हम लोग को बुलाया जा रहा है। जब भी हम लोग विजय चौधरी से मिलने आते हैं तो सब लोग समान हो, ऐसा हो। चले, नोटिफिकेशन की बात थी, बताया यह जा रहा था कि ये लोग नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, मगर इन लोगों ने नोटिफिकेशन के ऊपर बताने का प्रयास किया है। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हम उनसे लगातार और देख रहे होंगे, पुलिस दल बल के साथ पहुंच चुकी है और अभी कार्रवाई करने के लिए तैयार है इन लोगों को बाहर निकलवाने के लिए। और देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से देख रहे हैं, पुलिस अभी आ चुकी है और पूरे दल बल के साथ यहाँ पे अभी कार्रवाई करने के लिए खड़ी है यहाँ पर सैनी। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी और प्रशासन आमने सामने लगातार आ गई है। प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, हम यहीं पे रहकर अपनी मांग मांगेंगे। इन लोगों का साफ मीडिया वाला क्यों लड़ रहा है? इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक नंद किशोर नहीं आएंगे तब तक हम यहीं पे रहेंगे, और प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर विकलांग अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं, प्रशासन सभी को यहाँ से भगाने के लिए लगातार बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर देख रहे होंगे पुलिस प्रशासन इन लोगों को हटाते हुए, और क्या कुछ कहेंगे ये विकलांग है, क्या कुछ कहेंगे पुलिस आप लोगों को हटा रही है? पुलिस हटाने से उनका काम है जो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको
कोई किसी प्रकार से फिर से ही पहुँचाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या करेंगे? यहाँ पर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब लोग तक हम लोग को बात माना नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके लिए जितना दिन संघर्ष करना पड़ेगा करेगा, पिछले 2 सालों से संघर्ष तो किया हूँ। पिछले 2 साल हम मसौली से आए हैं, 30 किलोमीटर चल करके आए हैं। देख रहे होंगे पुलिस, पुलिस अपने तैनाती, पुलिस तैनात है और सचिवालय से इन लोगों को हटाने का उठने के लिए प्रयास कर रही है। महिला पुलिस भी यहाँ पर तैयार हैं, महिला पुलिस महिलाओं को जो हटाएंगी। और देख रहे हैं अभी बहुत हो गया सर, कल पूरे दिन हमारे हाथ में बन रहा है, इस उम्मीद के साथ के मिल रहे। आप लोग कहा यह जा रहा है कि आप लोग नोटिफिकेशन के तहत नहीं चल रहे हैं? हम लोग ही नोटिफिकेशन के तहत चल रहे हैं सर, शिक्षा मंत्री जी का कहना है। पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है, पुलिस कार्रवाई में अभ्यर्थी हैं ये लोग। कौन वाला? स्टेट वाला। हाँ स्टेट वाला, थोड़ा सा निकलने का जगह दे दे। हाँ ये ना, ये ना निकालिए, निकालिए, निकालिए ना भाई, हम तो चाह रहे निकालिए। आप भी बनाइए फूफा जी। अरे पत्रकारों के संग आप नहीं ले जाते आप? आप लड़िएगा नहीं? हम लोग सड़कों पर नहीं आते, आप लोग हमारे को, हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करने दीजिएगा तो क्या, तो हम लोग क्या करें सर? प्रोटेस्ट भी हम ना करें? बताइए प्रोटेस्ट भी हम ना करें? अरे आने दीजिए, क्या आपका यही न्याय है? नहीं नहीं, क्या आपका यही न्याय है? नहीं नहीं, न्याय है नहीं, आपका यही न्याय है? आप सब जानना चाहते हैं सर, श्रीमान बताइए कि क्या यही न्याय है आपका, बताइए। नहीं सर, जब तक हम लोग को मांग नहीं माना जाएगा, जब तक हम लोग यहाँ से एक भी अभ्यर्थी नहीं हटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार से बैठ गए महिला को यहाँ पर। क्या कहा है? मैं फिर से अंदर जाऊंगी, अंदर जाने की कोशिश करूंगी। ये तानाशाही सरकार है, ये जीते जी हम लोगों को जान मार देगी। कोई न्याय नहीं देती है, कोई हिसाब नहीं करती है। 300 रोड पे जाकर खड़ा कर दिए। क्या यही सरकार है? यही सरकार है, यही हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बोलता है टीचर बनने वाले हैं, टीचर भविष्य है, यही भविष्य है। रोड पे लाके खड़ा कर दिया हम लोगों को। देखिए देखिए गिरफ्तार कर रहा है उनको, गिरफ्तार किया लड़कियां है उनको बाहर। हम लोग ऐसा करा दिया और यहां पर देख रहे होंगे तमाम छात्रों को। पुलिस पूरी अपनी मूड में है और छात्रों को जिस प्रकार से बाहर कर रही है, छात्र लगातार प्रोटेस्ट करने की मांग कर रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से पुलिस एक्शन ले चुकी है। और इस एक्शन के बीच में यहाँ पर जो तस्वीरें हैं
वो एक एक करके अब तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन के बाद की ये तस्वीर और अब धीरे धीरे बाहर ले जाती हूँ। अब मंत्री के आवास देख रहे हैं पटना सचिवालय से बस 5 मिनट के अंदर यहाँ पर अभी हजारों की भीड़ थी पटना सचिवालय के गेट पर और बाहर, और यहाँ से तुरंत हटा ली गई। और देख रहे होंगे वो सब एसटीटी वाले हैं क्या? नहीं नहीं, वो सब युवाओं के साथ क्या हो रहा है और ये मूक दर्शक बनना क्यों इतना जायज है? क्या कहिएगा पत्रकार महोदय, क्या हुआ है? स्टेट अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यहाँ पर आज अपने प्रोटेस्ट को जगाने के लिए, आनंद किशोर को याद दिलाने के लिए कि उनके साथ गलत हुआ है, और उसको लेकर विकास भवन के अंदर आए थे, जिसके बाद वो लोग यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे। हालांकि आनंद किशोर का पुतला दहन किया गया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं बल प्रयोग करके उन्हें यहाँ से भगाया है घसीट करके, और स्टेट के अभ्यर्थियों को चोटें भी लगी है, स्टेट अभ्यर्थी का कहना है। लेकिन अब जिस प्रकार प्रशासन बाहर कर चुकी है, उसके बाद क्या कुछ करते हैं वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि हम लोग लगातार लाइव कवरेज में जुटे हुए हैं और लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाने के बाद, और देख रहे होंगे एसटीटी अभ्यर्थियों को गेट से, गेट के बाहर बैठ गए हैं ये लोग, और अब गेट के बाहर क्या होगा ये देखने वाली बात है। और यहां पर सचिवालय गेट की तरफ देख रहे होंगे,